ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया के छात्रों पर हुए हमले के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने नाइजीरियन हाई कमीशन को नाइजीरियन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी दी। देश की राजधानी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले के बाद 10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 27 मार्च की रात को ग्रेटर नोएडा के एक मॉल अंसल प्लाजा में तकरीबन 100 लोगों ने एक अफ्रीकी नागरिक पर हमला कर दिया था। सोशल मीडिया पर शेयर हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उसे लात, घूंसे और कुर्सियों से पीटा गया। ड्रग ओवरडोज से 12वीं क्लास के एक लड़के मनीष खारे की मौत हो गई थी। उसके परिवार वालों ने अपने 5 नाइजीरियन पड़ोसियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद इलाके में नाइजीरियन लोगों के खिलाफ मार्च निकाला गया और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इस बीच एक नाइजीरियन लड़की का लापता होने की भी खबर आई। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा और सुषमा स्वराज ने कई ट्वीट की और विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने नाइजीरियन हाई कमीशन को फोन करके तसल्ली दी कि उनके नागरिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब अफ्रीकी नागरिकों पर दिल्ली और उसके आसपास इस तरह का हमला हुआ है। हैरत की बात यह है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार एंटी रोमियो को लेकर शोर मचा रही है, वहीं उसी उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों के सामने विदेशी नागरिकों को मारा गया और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया।